Hello everyone, this is Tania, this is Remy, and you are watching Tear Reaction Videos. So welcome back to our channel, and today we are going to react on the video of The Perfect Bride by Carminati. मुझे नहीं पता कि इसका टाइटल है दी परफेक्ट ब्राइट, लेकिन थंबनेल में दीपा कलाल का फोटो है. सो आई वांट टू सी कि इसके अंदर क्या है, आखिर क्यों इसका टाइटल दी परफेक्ट ब्राइट रखा गया, क्या है इसके अंदर. पहले इस वीडियो को इस वीडियो की टाइटल को मैंने देखा था कमेंट्स में कि रिएक्ट करने के लिए, लेकिन तब हमने नहीं किया था. सो अब हमने सोचा क्यों ना किया ही जाए. सो नाउ विदाउट एनी मोर टॉकिंग लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विद द बेल नोटिफिकेशन. सो नाउ लेट्स बिगिन. तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक ऐसे प्राणी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे अखंड भारत की जरूरत है. मुझे अब अखंड भारत की जरूरत है. जिन लोगों को नहीं पता ये कौन है, बड़े खुशकिस्मत हो यार तुम लोग. ये वकांडा का राष्ट्र पंछी है जो एक रात सबके पेट में बदहजमी मचा के वहां से भाग आया था. अब ये प्राणी कश्मीर और गोवा में पाया जाता है, तो इसलिए आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के. कश्मीर की मैं कली हूँ. एक सुअर को कितना ही सजा लो वो मोर नहीं बन जाएगा. छेनी जैसी शक्ल है, भला अजय देवगन भी पान मसाला ना थूके इसके मुंह पे. कश्मीर की कली. बज्जे बज्जे रिश्ते मुझे आए, बहुत बज्जे बज्जे आए मुझे, बहुत बड्डे बड्डे रिश्ते आए. से एक रिश्ता है अफ्रीकन गैंडे की तरफ से. उसे दहेज नहीं चाहिए, बस दुल्हन को नीम के पत्ते के साथ नंगा भेज दो, बच्चों को माँ का प्यार और दूध मिल जाएगा, बाकी जिंदगी तो मौज है यार. यही वो मेरा दूल्हा है जो मुझे सबसे ज्यादा भाया है. दूल्हा मेरी पप्पी करो. फूले की गांठ फटी पड़ी है, उसे पता है हर रात इस टाइम को पुश्ता खुजली होती है. अब कौन शांत करेगा उसे? थक गया हूँ मैं ये प्यार से. चाहता हूँ कि कोई ऐसा मर्द मिले जो मुझे तहस नहस कर दे. सबसे पहले देश में यही काम होना चाहिए, कोई इससे तहस नहस करो. अरे ऐसे कौन बोलता है यार? यार भाई भोसड़ी के सुन यार, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तहस नहस कर दे. रुक जा यार, कर जा तहस नहस. कौन है ऐसा जो शरेआम मेरे ऊपर अत्याचार करेगा? कौन है ऐसा जो इस ब्यूटी बोन को दबा दबा कर अंदर घुसेड़ देगा? मुझे प्यार चाहिए या फिर मार, पहले ही फैसला कर ले. ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है. क्या क्या चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? मुझे किसी जाट की जरूरत है. वो रोहतक का होना चाहिए, भिवानी का होना चाहिए, वो कोई हरियाणवी होना चाहिए, पंजाबी होना चाहिए. जाट की जाट नहीं मिलेगी तुझे, इसे ना राष्ट्र पशु केंद्र भेज देना चाहिए. ऐसे खुले में ये ज्यादा समय जीवित नहीं रह पाएगा. मैं बहुत भूखा हूँ फैंस. कौन है वो मद्रासी जो रगड़ रगड़ कर मेरे इस तन बदन को डोसा बना देगा? बस यही तो सुनना रह गया था. ऐसा ही है ये, जब ये उदास होता है तो मोटर पे बैठ के वाइब्रेट होता है, और जब ये खुश होता है तो वादियों की तरफ देख के चिल्लाता है, मैं हूँ घटोत्कच, मेरी मैया ने मुझे पाला. वो बंगाली जो मुझे तो बड़े बड़े रसीले रसगुल्ले मेरे मुंह में ठूस देगा. टट्टे चाहिए ना, टट्टे चाहिए ना, शर्मा मत, शर्मा टट्टे चाहिए ना. इससे घंट चुटिया इंसान नहीं देखा मैंने आज तक. वो पंजाबी जो मेरे मुंह में खट्टी लस्सी की पिचकारी मारेगा, खट्टी लस्सी की पिचकारी मारेगा. मतलब मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस आसमानी लंड को खट्टी लस्सी की पिचकारी दी जाए, और याद रहे वो एक पंजाबी की होनी. इसको वायरल मत करो. अबे तेरी MMS थोड़ी ना लीक हुई है जिसको देख के कह रहा है. इसको वायरल मत करो. कोई नहीं करेगा, किसी को शौक नहीं है तेरे पिलपिला सुअर जैसा शरीर देखने का. मैं एक मर्द हूँ, सच्चा मर्द. अजी लौड़ा लौड़ा एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो नौकरी ले ले इसमें जाके. बताओ बे कंपनी बना दी. बहुत पंजाबी लड़के आए मेरी जिंदगी में,
पीछे से बल्ले बल्ले करके चले गए। क्या करके चले गए? बल्ले बल्ले करके चले गए। ये तो अलग ही चुदम पट्टी मचा रहा है। अगर ऐसे बल्ले बल्ले कर रहे हैं तो भंगड़ा कैसे पाएंगे? भंगड़ा पाके चले गए। बहन के लंग, अरे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत चूतिया घेरे, लेकिन ये मेरी सहन शक्ति के पार जा रहा है। बहुत से लोग आए और मेरे पीछे भंगड़ा पाके चले गए, लेकिन दीपक को दर्द नहीं हुआ। मेरी जान, दीपक ऐसा मर्द है। मैं दिखाता हूँ कैसा मर्द है। पाहिया में कसी के सैया मारे लोग, भगवान से डर भोसड़ी के। ये देखो, ये गाय होती हैं और यही हमें दूध देती हैं। ये गाय को चूचियां होती हैं। क्या चूचियां? चूचियां, ये एक ऐसी बीमारी का नाम लग रहा है जिसमें पूरे शरीर पे चूचे उग जाते हैं। हाथ पे चूचे, पैर पे चूचे, गर्दन पे चूचे, पीठ पे चूचे, चूचों के दो आगे चूचे, चूचों के दो पीछे चूचे, बोलो कितने चूचे। चूचियां, अभी से पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। आज से 9 महीने पहले विराट कोहली ने 90 किलोमीटर पर आर की स्पीड से एक छक्का मारा था और वो बॉल सीधे स्पिन होके गई इसकी भुंड में। अब आगे, विराट कोहली तुम तो रातें रंगीन करके चले गए, लेकिन दीपक कलाम प्रेग्नेंट हो गया है और अब ये 9वां महीना मुझे चल रहा है। आ, आ, बहुत लाते मार रहा है ये बच्चा। बच्चा लाते इसलिए मार रहा है क्योंकि उसे कैसे भी करके वहां से बाहर निकलना है। उसकी हालत एक तिहाड़ जेल के कैदी जैसी हो गई है। ना खाने को मिलता है, ना पीने को मिलता है, मिलता है तो बस खट्टी लस्सी की पिचकारी। विराट कोहली तुम दीपक कलाम को छोड़कर चले गए, लेकिन हमारा ये जो बच्चा है, ये पैदा किया इसने इंसान के रूप में, शैतान है ये। बकरियों को जाके कहता है बकरी मुझे अंजा दो, कश्मीर की नदियों को देख के कहता है लव यू लौड़ा। अगर आप वर्जिन हैं तो दीपक कला आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और मेरा पर्सनल फेवरेट, कैन यू टेल अस हाउ एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट? बस हो गया आज का। अगर मैंने इसकी शक्ल एक और बार देख ली तो मैं बौखला जाऊंगा। तो इसलिए अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस पे और वीडियोस बनाऊं तो लाइक मारो, और अगर नहीं चाहते हो तो और जोर से लाइक मारो। एक तो इस बार मैं रख ही नहीं रहा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है, वो जो लाल है ना, रेड कलर का बटन, उस पे खट्टी लस्सी की पिचकारी मारो या फिर उसे तहस नहस कर दो। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ यार, मेरी अर्जुन दी पिसाई कैटरिस्ट के यहाँ अपॉइंटमेंट। ओ गॉड, मतलब मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो मैं क्यों सिलेक्ट किया। सच में एक्चुअली मैंने जब देखा कि दीपक कलाल का फोटो है लेकिन टाइटल है दी परफेक्ट ब्राइट, सो मैं देखना चाहा कि इसके अंदर है क्या आखिर, मतलब परफेक्ट ब्राइट क्यों बोला। मतलब मेरे पास तो कोई वर्ड ही नहीं है इसे, इस वीडियो के बारे में बोलने के लिए मेरे पास भी कोई वर्ड बचे नहीं। इतना एडिटिंग यार क्रिंज, मतलब क्या बताऊँ यार, क्या बताऊँ, उससे भी ज़्यादा कुछ है इस वीडियो में। मतलब लोग फेमस होने के लिए क्या क्या करते हैं यार। सच में गाइस, सो मुझे सच में नहीं पता था कि इस वीडियो के अंदर ये सारे चीज़ है। सो इरिटेटिंग। Anyway guys, so I hope आप enjoy किया और feel irritated हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने तो इस वीडियो को देखा एंड आई थिंक आप लोगों ने भी, आप तो इस वीडियो को देख ही रहे हो अगर आप इस तक पहुँच गए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद अस एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक। एंड मैं इस वीडियो में आपको नहीं बोलूँगी कि आप लाइक कर दो, आपकी मर्जी है, कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हम और भी रिएक्शन वीडियोस लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।